जानने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य सतीश सदगुरुनाथ जी महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो जन्मोत्सव की आपको भी बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि 5251वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, इसकी खासियत क्या है, मुहूर्त क्या है और कौन सी वो जरूरी बातें जो आज ध्यान में रखनी चाहिए? श्रीम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को बाल कृष्ण लाल की, लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की, वर्धापन दिवस की, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुभ हो, बहुत श्रेष्ठ हो। ये जन्मोत्सव केवल जन्मोत्सव नहीं है, ये केवल उल्लास नहीं है, ये केवल आनंद और उत्सव नहीं है, ये तो आपके आत्मा में बैठे परमात्मा को नमन करने का अद्भुत साधन है। ये 5151वां जो हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये आप निरंतरता में अगर ज्योतिषी आधार पर देखें तो इस वर्ष का योग, करण, नक्षत्र और तिथि ये बहुत अलौकिक है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, ये यात्रा अपने आप में बहुत अलौकिक है। ये 700 सालों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है, ये ऐसा अलौकिक समय है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, ये 5-7 चीजें मिलकर के तिथियां बनती हैं। तिथि के बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद योग, योग के बाद करण और करण के बाद वो शुभ मुहूर्त का जन्म होता है। ये सामान्य संयोग नहीं है, ये बहुत स्पेशल और बहुत खास है।